वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में NS3% के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही कम लोगों को पता होगा NS3 के बारे में कि इसे किस कंडीशन में जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों को सिर्फ NS सिंपल NS मतलब 0.9% की जो NS होती है ये वाली, इसके बारे में ही पता होता है, लेकिन किसी को भी NS3% का नहीं पता होता। तो आज की जो वीडियो है ये NS3% के ऊपर है फुल्ली डिटेल में। तो इस वीडियो में आपको ढेर सारी जो है नॉलेज मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज ये है NS3% की बोतल, जिसे IV इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं NS का 3% का। और गाइज ये ग्लास की बोतल है और मैं आपको भी ग्लास की बोतल ही यूज़ करने के लिए बोलूँगा। प्लास्टिक की बोतल यूज़ करने के पीछे एक लॉजिक है, अगर मैं वो बताऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए गाइज अब इसके प्राइस की बात करते हैं। तो इसका प्राइस आपको 99 रुपीज़ का मिलता है। और गाइस इसका कोई ब्रांड नहीं है, जेनरिक ही मिलती है, तो आप किसी भी कंपनी को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जिस कंपनी को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है डेनिस कैम लैब लिमिटेड, और ग्लास की बोतल का ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो चलिए गाइस अब इसके यूसेज की बात करते हैं। तो गाइस जो इसके यूसेज हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है वो है नेबुलाइजेशन में, जी हाँ बिल्कुल। और गाइस नेबुलाइजेशन में इसको सबसे ज़्यादा सेफ़ माना जाता है नवजात शिशुओं में, और प्रेगनेंसी के टाइम इसको बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मानते हैं, बात करेंगे इसकी। और जो दूसरा यूजेज है वो है सोडियम के कम लेवल में, जिसे हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। और तीसरा है क्लोराइड के कम लेवल में, जिसे हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं। तो गाइस जो ये दूसरा और तीसरा है, मतलब सोडियम के कम लेवल में और जो क्लोराइड का कम लेवल है, इसको जांचने के लिए, इसको देखने के लिए एक टेस्ट कराते हैं जिसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये जो टेस्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये कराने के बाद ही आपको इनकी वैल्यू का पता लगता है। और जो पहला यूज़ है नेबुलाइजेशन में, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है और सबसे सेफ़। जो नवजात शिशु होते हैं अगर उनकी छाती जाम हो जाती है तो वो बलगम को निकाल नहीं पाते, और ये जो नेबुलाइजेशन है इसको करने के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो उनका बलगम है वो काफ़ी पतला हो जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ माना जाता है इसे। तो दोनों की दोनों जो पेशेंट है नवजात शिशु और प्रेगनेंसी में, अगर आप नहीं चाहते कि आप जो नेबुलाइजेशन में यूज़ होती है डुआलिन बूडेकोट जो रेप्सूल्स होते हैं, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, उनके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, तो आप NS3% को यूज़ कर सकते हैं। डोजेज में आगे बताऊंगा वीडियो में, तो एक बार आप यूज़ करके देखें और आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना यूज़फुल और कितना बेनिफिट मिलता है उससे। और मुझे कमेंट में भी बताना आपको कितना रिलीफ हुआ। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखें नेबुलाइजेशन में इसे। तो चलिए गाइज़ आगे बात करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ अगर आप सोडियम और क्लोराइड के लेवल को अप करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं पूरा करने के लिए, तो इसको इंट्रावेनस देना पड़ता है। इसके लिए आपको IV सेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए पहले आपको ये आपको ढक्कन दिख रहा होगा इसके ऊपर, ये देखिए इसे आपको खोलना पड़ेगा, और फिर ये जो प्लास्टिक है इसको आपको ऐसे नीचे करना है, देखिए कुछ ऐसे। फिर इसे आप IV स्टैंड पे टांग दीजिए, और एक बोतल है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, नेबुलाइज किया था मैंने एक पेशेंट को। तो गाइज ये देखिए ये बोतल है, और जो ये अपर पार्ट आपको दिख रहा होगा इसका खोलने के बाद, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे आपको टच नहीं करना है, कॉन्टैमिनेट हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप इसे इंट्रावेनस देना चाहते हैं तो इसे आपको कैनूले के थ्रू देना पड़ेगा, और साथ में आपको IV सेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक IV सेट के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप अगर चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आगे बात करते हैं इसकी डोसेज की। तो गाइज़ जो नवजात शिशु हैं उसमें आप 2 ml दिन में 4 बार दें, और एडल्ट में इसे 4 ml दिन में 4 बार आप दे सकते हैं। वहीं अगर सोडियम और क्लोराइड के कम लेवल की बात करें तो उसके लिए आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट नाम की रिपोर्ट करानी पड़ेगी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही आप डोज को फिक्स कर पाएंगे।
अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड की 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है वैल्यू। तो गाइज़ आगे बात करते हैं कि इसे किस किस कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना है, और बहुत ही सावधानी भी बरतनी पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए। तो गाइज़ ख़ास तौर पर इसे जो दिल के पेशेंट होते हैं उन पेशेंटों में इसको कभी भी आप यूज़ ना करें, और जो दूसरा पेशेंट है वो होते हैं किडनी के पेशेंट, जिन्हें किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उन पेशेंटों में भी NS3% को यूज़ नहीं करना होता। और तीसरे होते हैं एडिमा, कहीं पर भी अगर एडिमा होता है, जैसे पैरों में एडिमा या फिर हाथ में एडिमा या किसी कहीं पर भी एडिमा है, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक ड्रग है और फ्लूड रिटेंशन बनाती है, जिससे एडिमा होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो आज की NS3% के ऊपर, और इसे NS3% नॉर्मल लाइन का इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में पूछना मुझसे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।